क्योंकि भाई इस कदर पुराना है, मुझे कई दफा डर लगता है कि इनके बालों में जाला ही ना लग जाए। की हाल है सजनों ते बेलियो, तुसी वेख रहे हो वन मैन टीवी ते मैं हां तुहाडा होस्ट नईम शौकी। नाजरीन जिस तरह तुहाडा साडा वादा है कि वधिया गाउण वाले ते वधिया हसाउण वाले सुपरस्टार तुहाडे सामने लै के आउंदे रहांगे। अज नाजरीन एक ऐसे फनकार की गल करांगे, अल्लाह पाक उन्हां नूं जन्नत च जगह देवे, अमानुल्लाह साहब। नाजरीन 100 साल तक 50 साल तक लोग जिथे भी स्टेज प्ले खेडणगे उन्हां दे जुमले, उन्हां दीआं आइटमां, उन्हां दे फिकरे इस्तेमाल जरूर होणगे, क्योंकि जदों भी स्टेज का पर्दा खुलेगा निकलणगे विचों अमानुल्लाह साहब। अज्ज असीं तुहाडी मुलाकात करावांगे उन्हां दी बेटी दे नाल, जरगून अमानुल्लाह दे नाल। तुसीं बहुत सारे चैनलां ते एज़ ए एंकर भी उन्हां नूं देख रहे हो, टिकटॉक स्टार भी ने, ते साडे नाल ने जरगून अमानुल्लाह। आओ उन्हां नाल गल करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा, ठीक ठाक है? माशाल्लाह मैं ठीक। माशाल्लाह शौकी भाई, आपको मैंने अपने बचपन से देखा, आपको तब भी इतने थे, अभी भी इतने, लगता जुबान दे बहुत पक्के हो तुसी। इधर बंदे दी एक जुबान होनी चाहिए, मैंने किसी बंदे ने कहा है जिस तरह का गया इस तरह का रही है तो हिली ना। तो बेटा अमान साहब तो जगत उस्ताद बहुत वड्डी परसनैलिटी कि पूरी दुनिया के ऐसा कॉमेडियन मेरे हिसाब से कोई नहीं, तो कैसा वक्त गुजरिया खान साहब के नाल? जो जिंदगी के लम्हात गुजरे ने उन्होंने कोई जोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं, उन्होंने बेहतरीन दिन सन। बिल्कुल नाजरीन, खान साहब के साडा भी ऐसा टाइम गुजरिया, वह इन्ने जॉली सन, इन्ने मज़ेदार सन कि उन्होंने टाइम का पता ही नहीं चलता। एवं नवी नवी गड्डी लई है, तो मैं तो खान साहब मोटरवे पर जा रहे हैं, वो मैं एकदम गेयर पिया पाया तो चौथा पै गया, कहते तू एडा भी सौखा नहीं है दूजा कर। एक दफा मुझे याद है मेरे वाले साहब ऑफिस है, बोलते की हाल है, मैं क्या ठीक, मैं क्या बस ऑफिस, बोलते मेरी धी ऑफिस ऑफिस, बोल के मुँह ही हसना हो गया। एक दफा गर्मी मेरे घर आए हैं तो घर करेले गोश्त बनाए तेरी भाभी ने, तो पहली बुरकी ला के मेरी बेगम कहते हैं कि तेना फिरती रहनी है तू। टॉकी भाई इस कदर पुराना है, मुझे कई दफा डर लगता है कि इनके बालों में जाला ही ना लग जाए। चल अच्छा पुत्र, तेरी भाभी भी घर वेली बैठी रही, और कुछ नहीं, मेरे वालों जो जाला तो लाएगी। खान साहब इन्ने मजेदार फनकार सुन के उन्होंने एक गल तो फंक्शन शुरू हो जाता है, कहते ने अल्लाह ना करे करोड़पति बंदे की सड़क पर जाते हैं गड्डी वजे ना सिगरेट ला के हस रहा है, मैंने 12 लाख के लिए और बेड़ा गर्क हो गया। तो बेटा बचपन कैसा खान साहब? बचपन बड़ा यादगार, मैंने आपसे कहा सारी ज़िंदगी बड़ी यादगार, और बचपन तो ऐसा गुजरा है जितनी मर्जी बड़ी गलती कर लें, वालिद साहब ने कभी उफ तक नहीं की, कभी डांटा ही नहीं, इसीलिए शायद ये हाल है। जरगून ना बहुत प्यार करते थे, मैं गड्डी ली बाद चो तो मेरे नाल बैठने कहना चल जरगून ना फलानी चीज़ फड़ा के, तो फिर अभी वापस आ जाने। असी ना ईद यूसुफ लम्मा साहब साढ़े प्रोड्यूसर ने यूसुफ साहब उन्हों का ड्रामा कर रहे थे खान साहब, तो मैं शेखुपुरे, तो वो मैंने कहते यार मान साहब की तबीयत नहीं सही गई, तो मान साहब ने कहना तुम ना भी आओ तो कोई ऐसी गल नहीं है, कहते हैं यार यूसुफ साहब की तो मेहरबानी, लेकिन जी असी रात चाह पीनी वह कौन पीएगा। तो भैन भरावें सब तो ज्यादा प्यार कि सारे नाल ही, मतलब नहीं जरगून ना, जरगून ना ज्यादा, वो फिर आखिरी फुल स्टॉप जो सीम है मेरे नाल जरा बहुत सी। मजेदार आदमी और 24 घंटे खुश रहने वाले मुस्कुराने वाले बंदे, गुस्सा कभी किया ही नहीं, जो कभी किया भी है तो खिंच गए ने, तो जुगत शुरू करती ने, बड़े बड़े मनमौजी बंदे सन। असी ना शो ते जाना थी, कंपनी का शो से, खान साहब ने भी वाइट शर्ट पाई, तो मैं भी वाइट टाइयां लाइया, तो मेरी गड्डी तो मेरी गड्डी तो ना बैटरी खराब हो गई, तो कराउन के सामने एक बैटरी ला, उन्होंने यार जरा सही करी, तो बंद थले निकलिया, तो मूँह से भी कलक लगी, तो कपड़िया भी, तो बूट भी पाटे, तो बाहर निकलते ही सू जुगत कर लग पे मैनू, तो मान साहब वो असी चाह पीते रहे, खान साहब कहते चुप रहा करन दे थके, असी उन्होंने पैसे पुसे दिते, तो मान साहब कहते इधर आ इस तरह नहा धो के रहा कर अच्छ सही लग रहा है। जवेद कौडू साहब ने फनकार अपने, वो मैं कजाफी गया तो हाथ में ना इस तरह करन, तो मैं उन्होंने बाजू दबाया, तू भी छोटी जी नाल सो, मैंने दुआवा देने लग पे अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेन जिंदगी दे, मान साहब कहते एडा खुश ना हो मजा, तो फिर है ना सुहेल साहब के अंदरों दुआ निकले जी एडी सारी बाई। तो खान साहब मिस किया जिंदगी भर का जख्म शौकी भाई है, सारी जिंदगी नहीं भरना है जख्म, यह जख्म है सरगुन छोटी जी नहीं गुजरा ले याद है। सरगुन कह रही डैडी मैंने दूध वाली बोतल लेनी है, कहते बेटा चुप कर जा, फिर शौकी भी रोए गई। और आप बाकी रोते थे आप, माशाल्लाह जो जो मैं खाया करती थी वो लाजमी ये भी खाते थे साथ, अभी आप इनकी सेहत देखिए। बस फिर पुत्र जरा तू भी गाने दो, मैं लग गई। बेटा हूँ कैसा वक्त गुजरिया? माशाल्लाह वाले साहब के चाहने वालों की दुआएं हैं, साथ ढेर सारा प्यार है, सपोर्ट है, तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है। आजकल कौन कौन से चैनल पे काम कर रहे हैं? आजकल फिलहाल तो मैं 7 न्यूज पे शो कर रही हूँ, जान की अमान वालिद साहब के नाम से। बड़ा वधिया शो रहा, मैं देखिया, बड़ा मजेदार शो है जी। बेटा मैं पूछ रहा था कि फनकारा चो स्पेशली किन्ना किन्ना ने ज्यादा प्यार किया, ज्यादा मुहब्बत की, जिन्होंने एहसास नहीं होने दिता कि खान साहब चले गए?
सारे फनकार ने वे इफ्तार ठाकुर साहब हो गए, नवाज अंजम साहब हो गए, सोहेल अहमद साहब हो गए, सोहेल अहमद साहब से बहुत प्यार करते हैं, तो नाल शौकी भाई भी, तो नाल माशाल्लाह बाबा दरवेश भी माशाल्लाह कदी नहीं मिले, बड़े चंगे इंसान ने माशाल्लाह। बेटा मेरे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੋਗੋ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋਗੋ ਹੁਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਮਾੜੀ ਟੈਂ ਵੋਗੋ ਪੁੱਤਰਾ ਜੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਅੰਕਲ ਵੀ ਆਪ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਕੌਣ ਸਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਾ ਖਾਣਾ ਖਾਤੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਜੰਜ ਕਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਜਾਤੇ ਹਾਂ ਆਪ। माशाल्लाह शौकी भाई को एक शो मिल गया, उसमें इन्होंने 20 बंदों का खाना खाना था, इनको वही शो दोबारा मिल गया, उन्होंने कहा एक और शो करने, कहते बस कर दो यार मैं घर जाके खाना भी खाना है। कितना खाते हैं ये नाज़रीन, गल ते वधिया है वे कि जिथे जिथे भी जुगत दा एक्सेंट होएगा या हसन नु दिल करेगा उथे अमानुल्ला साहब दी गल होएगी, ते जरगून वाहद बची जी जो अमानुल्ला साहब झलकदे ने नजर आंदे ने, ते को लास्ट ऑडियंस माशाल्लाह ऑडियंस यही के वाले साहब की वजह से मुझे काफ़ी लोग प्यार करते हैं, उसी इसी तरह से मुझे उनकी सपोर्ट चाहिए, इसी तरह से प्यार करते रहें, अपना ख्याल रखें और शौकी भाई के चैनल को इसी तरह देखते रहें। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सलामत रहो, तो देखते रहो वन मैन टीवी।